हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों मेरे पास जो डिवाइस है ये बेसिकली आपके हेलमेट का जो है एक JBL वाला इंटीग्रेटेड स्पीकर सिस्टम बना देता है, जिसमें बहुत अच्छे म्यूजिक आता है। टॉप ऑफ इट आप जो फोन के साथ करते हो ना, जैसे फोन पे किसी के साथ बात करते हो वो बातें भी कर सकते हो, आप इंटरकॉम सिस्टम जैसा इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आपके दोस्त लोग सब मिलके कोई राइड कर रहे हो तो उन सब के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू दिस डिवाइस। दिस इज फ्रॉम ए कंपनी कॉल्ड ब्लू आर्मर। आपने इसका एक डिटेल वीडियो देख लिया होगा मेरे चैनल पे, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो पे जो है मैं आंसर करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ब्लू भाई, क्या ये डिवाइस ब्लू आर्मर की तरफ से जो है इसको हम सेना के साथ या फिर कार्डो के साथ किसी भी और ब्लूटूथ इंटरकॉम सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। आज मैं आपको ये वीडियो पे दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर आप मुझे पर्सनली इस डिवाइस की कैपेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो मेस इंटरकॉम है वो सबसे बेस्ट है। देखो, इंटरकॉम करने के लिए आप ब्लूटूथ से ब्लूटूथ भी कर सकते हो, जो आप पूछ रहे हो कि यूनिवर्सल वाला सिस्टम है वो। लेकिन क्या है ना, अगर हम लोग क्वालिटी की बात करेंगे तो वो होगा मेस में। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट मी, फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 साल हो गए जब से मेरे पास मेस वाला इंटरकॉम सिस्टम है, नॉट द ब्लू आर्मर। मैं जब से मतलब सेना यूज़ कर रहा हूँ, जो भी यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मेस है, सेना है, कार्डो है, सब मैंने यूज़ किया है, तो उसमें जो मेस वाली जो इंटरकॉम सिस्टम है ना, एक बार अगर आप एडप्ट कर लेते हो उसको, उसके बाद आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस ना लगता है कि यार ये कौन सा मतलब बाबा आदम की मतलब जमाने में चले गए। मेस में जो है ना, आप समझो कि आपको जो है HD क्वालिटी की जो है ऑडियो आ जाता है। सेम अगर ब्लूटूथ पे आते हो तो आपको SD जो होता था ना कि पुराने वाले जो कैमरे में आप शूट करते हो और बहुत धुंधला दिखता है, VGA जमाना, मुझे वैसा फील होता है। तो अगर पर्सनली मुझे आप पूछ रहे हो कि यार आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि यार इट्स टाइम टू अपग्रेड। जस्ट आप जो है यही ले लो, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता यार, 10-11 हज़ार में। आपको सोचो कि 30-40 हज़ार के सिस्टम पे जो जो सब फीचर्स मिलते हैं वो सारे के सारी चीज़ें आपको ये 10-11 हज़ार की जो यूनिट पे आपको मिल जाता है। तो मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि यार यही दो यूनिट ले लो एंड मेस पे बात करो। ट्रस्ट मी, मेस पे जो आपको मजा आएगा वो बिल्कुल नहीं आने वाला है यूनिवर्सल इंटरकॉम पे। लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा दूंगा कि ये कैसे कनेक्ट होता है। और इसके देखो, अब क्या है, ब्लूटूथ से अगर आप कनेक्ट करते हो उसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी रहता है कि रेंज का लिमिटेशन रहता है। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ब्लूटूथ से ब्लूटूथ मतलब आप कनेक्ट करते हो, मान लो कि जो C30 है जो ब्लू आर्मर को, उसको अगर आप कनेक्ट करते हो कोई और डिवाइस के साथ, तो राइडर पिलियन करो, नॉट कि राइडर मतलब दो बाइक्स दूर हो, उसमें आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस शायद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, राइडर पिलियन अगर है, मान लो कि आप चला रहे हो और आपके पिलियन के पास ऑलरेडी एक कोई ब्लूटूथ इंटरकॉम सिस्टम है, उसको अगर आप इसके साथ पेयर करोगे देन यू आर फाइन। बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि मैस जैसा क्वालिटी डेफिनेटली ब्लूटूथ इंटरकॉम सिस्टम डिलीवर नहीं कर पाएगा। चलो अब जो है मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इंस्टॉल होता है। अच्छा, उससे पहले मैं और कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगा। सो बेसिकली दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बोले थे कि यार बुलू भाई, ये जो 10-11 हज़ार की रेंज है इसके अंदर हमें भी मतलब प्रारणी ऐसे सारे डिवाइस आ जाते हैं, बहुत सारे मार्केट में डिवाइस है। जी हाँ बिल्कुल, वो प्राइस पे आता है, लेकिन इस पे आपको कुछ फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि बड़े बड़े इंटरकॉम पे ही आता है, मतलब बड़े बड़े सिस्टम पे जिसका कॉस्ट 30-35-40 थाउजेंड में आता है उसी में आता है। फॉर एग्जांपल आपको बोलते हो, एक तो आपको बोल दें कि मैस ज़्यादातर आपको जितने इंटरकॉम सिस्टम जो सस्ते वाले आते हैं उसमें मैस नहीं आता है। इसमें एक फीचर ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मैस पे जो है कनेक्टेड हो आपके दोस्त के साथ, मतलब आप 4-5 राइडर हो और मैस पे कनेक्टेड हो, एंड साथ ही साथ आपको जो है मतलब आपको थोड़ा हल्का सा जो म्यूज़िक भी सुनना है, तो वो आपके इस पे जैसे होता है ना मल्टीटास्किंग, तो इसमें हल्का सा जो है आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो एंड टॉप ऑफ इट आपको जो है इंटरकॉम का कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। एक और फीचर मुझे जो बहुत पर्सनली बढ़िया लगता है कि मान लो आपके ग्रुप में आप जो है मतलब 10 राइडर हो और आप जो मेस पे बात कर रहे हो, एंड देन आपका कोई दोस्त और एक दोस्त है जो उस राइड पे आपको ज्वाइन नहीं किया, वो घर पे है, आप स्टिल उसके साथ बात कर सकते हो एंड उसकी कॉल जो है उसको आप जो है क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। बेसिकली मतलब मान लो कि 10 दोस्त राइड कर रहे हो, उनका वॉइस भी आ रहा है और ये दोस्त जो फ़ोन पे आपको कॉल किया, आप उसको मर्ज कर दोगे तो इंटरकॉम के साथ भी आप उसको बात कर सकते हो। मतलब इमेजिन कोई अपने घर पे होगा, आपको फ़ोन किया है, फिर भी जो है आप 11 के 11 राइडर जो है कनेक्ट हो सकते हो इंक्लूडिंग द फोन गाय। ये भी फीचर मुझे एक बढ़िया लगता है। और एक बढ़िया सा फीचर जो खास करके मुझे ये ब्लू आर्मर के सेट पे लगता है वो है कि म्यूजिक जो फेड इन फेड आउट होता है। कैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आप इंटरकॉम पे बात कर रहे हो, ठीक है, जब कोई बात नहीं करता है उस टाइम पे क्या है ना, म्यूजिक आपको अच्छा खासा मतलब अच्छे साउंड पे आ रहा होगा एंड लाइटली जो है वो बातें जो भी चल रहा है वो सब चल रहा है। जैसे आप बात करने लगोगे स्लोली म्यूजिक जो फेड हो जाता है, ऐसे नहीं कि सडनली कट हो जाता है, बट धीरे से म्यूजिक फेड हो जाता है और बाकी सबकी जो बातें हैं वो सब आपको अच्छी तरह से सुनाई देता है। तो इसमें ना आपको एक प्रीमियम की फीलिंग आता है यार, ये प्रीमियम फीलिंग बहुत बड़ी बात है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक आप ये सिस्टम्स यूज़ नहीं करोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। एंड टॉप ऑफ इट यार, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है यार। जैसे मैं आपको बताता हूँ यार, अगर हम लोग ऐसे कंपनियों को यूज़ करेंगे, हम लोग अगर इनके प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इनकी भी ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इसकी भी वर्सन से आएगा और ये लोग भी ग्रो करेंगे। और साथ ही साथ देखो,
फ्यूचर के हिसाब से अगर देखोगे यार, सब कुछ अगर सपोर्ट सर्विस सब कुछ आपको इंडिया में मिल जाता है तो हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत क्या है। सो मैं तो यार इसको रिकमेंड करता हूँ। अब जो है मैं आपको दिखा दूंगा कि इंटरकॉम कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं मतलब दूसरे डिवाइस के साथ। मेरे पास जो है सेना की 50SI आपको पता होगा, मेरे दूसरे हेलमेट्स में पहले लगा हुआ था, अब तो मैं उसको निकाल के रख दिया हूँ, ऑलमोस्ट बहुत दिन हो गया, क्योंकि ट्रस्ट मी ब्लू आर्मर की जो क्वालिटी है ना बहुत अमेजिंग है। देखो ऐसा नहीं कि सेना में क्वालिटी नहीं आता या फिर आपका कार्डो में नहीं आता, डेफिनेटली उसमें भी बहुत बढ़िया क्वालिटी आता है, लेकिन द पॉइंट इज केयर एट व्हाट प्राइस, वो बड़ी बात है। 1:4 रेशियो का हो जाता है, इसकी जो प्राइस है इससे 3 गुना एटलीस्ट तो ये एक्सपेंसिव है, तो जाहिर सी बात है हर कोई तो खरीद नहीं पाएगा। कुछ लोग शायद ऐसे भी सवाल किए थे यार बुल्लू भाई 10-11 हज़ार भी तो बहुत पैसे होते हैं, बात सही है, लेकिन देखो यार आप सोचो जब एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाता है एंड उसको ऑलरेडी 1/3 की कॉस्ट में डिलीवर किया जाता है, दैट इट्सेल्फ इज़ अ वेरी बिग टास्क, मतलब बहुत बड़ी टास्क ही होता है। सो पर्सनली मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि ऐसी कंपनी जो है ग्रो करे, आने वाले टाइम पे जो है आप इसकी वैल्यू को पहचान पाओगे वो बहुत बड़ी बात है। एंड दोस्तों जी हाँ, कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि बुल्लू भाई वो ऑफर जो आपने जो कूपन कोड दिया था वो एक्सपायर हो गया। ऑब्वियसली बात है यार, जो कूपन कोड्स आता है वो डेफिनेटली कुछ दिन उनकी वैलिडिटी रहता है, उसके बाद तो एक्सपायर हो ही जाएगा। तो मैं जो है पर्सनली अगेन ब्लू आर्मर टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कूपन कोड को एक्टिवेट कर दे कुछ दिनों के लिए। तो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया लास्ट टाइम, यू कैन ट्राई एंड यूज़ द कूपन कोड, अभी भी आपको डिस्काउंट कुछ मिल जाएगा आपके परचेस पे। सो दोस्तों हमारे साथ जो हाले है, सो हाले इज फ्रॉम ब्लू आर्मर टीम। हाय बोलो, नाइस टू बी इनवाइटेड फाइनली ऑन योर चैनल। फाइनली यस एब्सोल्युटली। सो अभी जो है आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जो है पेयर कर सकते हो। सो जैसे आप देख रहे हो ये जो है सेना की 50S है एंड दिस इज द ब्लू आर्मर C30। इसको इसके साथ पेयर करेंगे, ठीक है, एंड दोनों ऑन है ऑलरेडी। हाँ दोनों स्टैंड बाई में है, आप देख सकते हो। हाँ ये लाइट्स ब्लिंक हो रहे हैं, दोनों में ब्लू लाइट्स है, दोनों स्टैंड बाई। राइट, सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक हम लोग इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट, लेट्स इमेजिन कि आपके साथ एक पिलियन राइडर है। करेक्ट, सो यू आर राइडिंग एंड द पिलियन एंड द पिलियन हैज ए सेना और फॉर दैट मैटर एनी अदर यू टेक दिस एज एनी अदर ब्लूटूथ डिवाइस। ओके, तो इसमें हम लोग इसको कैसे पेयर करेंगे? एंड यूजुअली सेना इज मोस्टली यूज्ड एंड मोस्टली आल्सो यूज अ सेना। राइट, वी हैव यूज्ड दिस ईयर। राइट, यू कैन कनेक्ट द सेम वे विद अदर सेनास आल्सो। राइट, ओके, सो टू स्टार्ट ऑफ it's very easy, you just press the down button on C30. Huh. And it will say ride link. So what activated. Is the down button? So it is, we call it ride link. Okay, so you have ride grid and ride link. Yes, so ride link is Bluetooth intercom. Okay. And ride grid is mesh intercom. So grid basically means many. Huh. So it's a mesh. And okay. Ride link connects two. So you okay. Can remember that way. So it's two people. Okay. So ride link is 1-to-1 Bluetooth. Mm-hmm. So it has been created in such a way that we can connect it to any other device. Any Bluetooth, any Bluetooth intercom system. Any Bluetooth device for that matter. Right. So I will search, switch on ride link. Ready to connect ride link. So you would have heard it, ready to connect ride link. I think speaker. You have my mic now. Yeah. So the blue lights are blinking. This is the Senna speaker. This is our C30 speaker. Sorry, this is our C30 speaker. And it doesn't look much different, no? Yeah, very similar. Almost similar. Because of the criteria for helmets that the pocket should have similar sizes throughout the world. See, so Senna aur isme kuch zyada difference nahi hai. So the pockets for all helmets are universal. So we fit into that correct size. Right, yes. So now ride link is activated here. In the Senna, you should turn on phone pairing rather than doing universal pairing. Okay. Bluetooth pairing is on, wherein the red and blue lights are blinking. Right. Now you just keep both together next to each other and they will automatically connect. Okay, so ये ऐसे mic को ये कर रहे हैं, हाँ. You can listen to it. वो seal. हाँ, connected. Okay, so finally it is connected. जैसे आप देख रहे हो. You heard the beep. हाँ. So now if I speak here. Yes. Hi, Bulu. Hey, hello. Mic testing 1-2. Yes, it's very clear. I can hear you very clearly. Yes. सही है, तो mic पे भी हो गया. So this is how it will sound with the rider pillion. Right, yes, hello. ABC 1-2-3. It's sharp so and clear. Connect ho gaya hai, jaisa aap dekh rahe ho, dekho dono devices jo hai connect ho chuka hai. Okay, so here you can see. Aur call end karne ke liye aapko sirf फिर से राइड लिंक बटन दबाना है। हाँ। और दोनों में ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, जस्ट प्रेस वन, जस्ट प्रेस द राइड लिंक वंस एंड यू आउट ऑफ इट। इफ आई वांट टू कनेक्ट इट बैक, दैट इज द थिंग विद यूनिवर्सल पेयरिंग, अनलाइक द प्रोप्राइटरी मैश वेयर वी डू ऑटो रीजॉइन एंड ऑटो कनेक्ट। ओके, विद ब्लूटूथ यू कांट डू दैट। सो एवरी टाइम यू गो आउट ऑन अ राइड और एवरी टाइम इट डिस्कनेक्ट्स, यू विल हैव टू कनेक्ट अगेन एंड यू हैव टू फॉलो द सेम
पेयरिंग प्रोसेस. सो बिकॉज दिस इज दैट ब्लूटूथ कनेक्ट सिस्टम तो इसमें थोड़ा लिमिटेशन है. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार बेस्ट है कि आप जो है ऐसे दो डिवाइस रख लो एंड मेस यूज करो. या मेस एक बटन ऐसे दबाते हो और पूरा कनेक्ट हो जाता है. एक बार कनेक्ट होता है होने के बाद जो है ये चलता रहता है ऑटोमेटिकली. डिस्कनेक्ट होने से फिर से दोबारा जब आप रेंज पे आते हो वो कनेक्ट हो जाता है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. और ये देखो इसमें ऐसा एंटीना भी है जिसके वजह से रेंज भी थोड़ा अच्छा आ जाता है. सो दोस्तों ये नेक्स्ट वाला फीचर आपको दिखाता हूँ. तो इसमें जो है हम लोग अभी देखो दोनों जो है इंटरकॉम पे कनेक्टेड हो गए हैं. तो मेरे पास ये डिवाइस है एंड एलईडीज ऑन द हेलमेट. वी आर गोइंग टू कनेक्ट नाउ. We're going to connect, yes. Show it to everybody. हाँ. So basically अब जो है हम लोग राइट ग्रिड यूज़ करेंगे. राइट ग्रिड का मतलब वही है कि जो इंटरकॉम आप जो मैस से इंटरकॉम यूज़ करने वाले हो उसके लिए हम लोग जो है ये टॉप वाला बटन को एक बार प्रेस करना है. राइट नहीं, लॉन्ग प्रेस. लॉन्ग प्रेस या सो प्रेस एंड होल्ड दिस बटन एंड ही विल आल्सो प्रेस एंड होल्ड दिस बटन. कीप द माइक फॉर देम. हाँ यू. सो आई विल कीप द माइक ऑन द स्पीकर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस होता है. हाँ चलो नाउ कनेक्टिंग. पब्लिक मोड इज ऑन. ओके सो अभी जो है म्यूजिक चल रहा है. कनेक्ट हो गया. कनेक्ट हो गया. यस कनेक्ट हो गया. यस आपको आ रहा है? अंडर टू सेकंड्स. आपको आ रहा है बातें? हेलो बहुत क्लियरली आ रहा है. बहुत क्लियर आ रहा है. सही है. अच्छा तो अभी म्यूजिक चल रहा है. देखो बैकग्राउंड में बहुत लाइटली चल रहा है. आपको सुनाई भी दे रहा होगा बिकॉज यहाँ पे मैंने माइक रख दिया स्पीकर के ऊपर तो सुनाई देना चाहिए. यहाँ पे देखो स्पीकर के ऊपर रखा हूँ. एंड जब बात नहीं करेंगे म्यूजिक वापस हाई वॉल्यूम पर. अच्छा देखिए चुप साइलेंट पूरा. अरे म्यूजिक खत्म हो गया. सॉरी सॉरी यहाँ पे खत्म हो गया एनसीएस. फिर से नेक्स्ट म्यूजिक वॉल्यूम खड़ा कर लेंगे. वॉल्यूम हाई कर लेंगे फुल वॉल्यूम. हेलो हेलो हेलो. एक्चुअली इट इज रिड्यूसिंग. यस so as you talk just like you talk in the car. You need to talk to your occupant. Right let the music be loud. Right so अभी एक्चुअली म्यूजिक वॉल्यूम हम लोग पूरा फुल वॉल्यूम दिए हैं फिर भी जब बात कर रहे हैं. हेलो 1 2 3 ए बी सी. मेरा माइक इतना नीचे है. मेरा माइक नीचे है. 1 2 3 ए बी सी. नाउ व्हेन वी डोंट टॉक इट लव यू साइलेंट. अमेजिंग यार. अमेजिंग फीचर है ये. सही है. So the parent and parents are quite happy. We didn't want to do it like right. बस कुछ ऐसे ही था दोस्तों. आप लोगों ने बहुत सारा सवाल पूछा था उसको लेके मैंने एक वीडियो बना दिया. अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि यार कैसा है डिवाइस तो आई एम श्योर कि अगर आपके दोस्त में से कोई भी खरीदा होगा इसको एक बार ट्राई कर लीजिए. आपको भी पता चल जाएगा कि यार क्वालिटी कैसा है. सो दोस्तों यहाँ पे मैं कूपन कोड शेयर कर रहा हूँ. ये कूपन कोड आप यूज़ कीजिए और वैलिडेशन कुछ दिनों के लिए रहेगा लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये डिवाइस खरीद चुके हैं तो आप जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो. मे बी उनमें से कोई एक खरीद लेगा. दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है इस डिवाइस के बारे में डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो. आई ट्राई टू आंसर देम.